नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी में आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर धारवाड़ में दोपहर 3:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक धारवाड़ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोगों से सीधे रूबरू होंगे, जहां लोगों की समस्याएं सुनेंगे, वहीं सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का धारवाड़ दौरा शायद राजस्थान को रास नहीं आ रहा है। राजस्थान के भिवाड़ी ने एक बार फिर से अपना काला चेहरा दिखाते हुए वीरवार दोपहर करीब 1 बजे भारी मात्रा में गंदा पानी धारवाड़ की ओर छोड़ दिया, जिसके चलते धारवाड़ के सोना रोड पर बाढ़ जैसे हालात हो गए। चारों ओर काला पानी दिखाई दे रहा है। इतनी भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया कि धारवाड़ के सेक्टर 4 बजरंग नगर, सोना रोड, सैनी मोहल्ला सहित अलवर बाईपास पर केमिकल युक्त पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। हालांकि भिवाड़ी से आने वाला गंदा पानी धारवाड़ की सबसे बड़ी समस्या है। यह 1-2 दिन से नहीं बल्कि सालों से है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सोना रोड पर जल सैलाब दिखाई दे रहा है। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री को धारवाड़ में जनसंवाद कार्यक्रम व नाइट स्टे भी है। ऐसे में प्रशासन ने धारवाड़ में पूरी तरह से डेरा डाला हुआ है। पानी के समाधान के लिए हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर धारवाड़ में रैंप बनाई जा रही है। 2.5 फीट ऊंची रैंप बनाई जानी है ताकि भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी को रोका जा सके। शायद यह कदम रेवाड़ी प्रशासन को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था ताकि लोगों को मुसीबत का सामना न करना पड़ता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रैंप बनने से भिवाड़ी की तरफ से आने वाला गंदा पानी धारवाड़ में आने की बजाय वापस भिवाड़ी के प्रशासनिक दफ्तरों में भर सकता है। इसके चलते राजस्थान के अधिकारियों को समाधान के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि 13 जुलाई को हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से राजस्थान के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कराया जा चुका है। इससे पहले मुख्य सचिव स्तर तक की भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन ढाक के 3 बार कोई समाधान नहीं निकल पाया। सालों से वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरह से रैंप बनाई जा रही है, समाधान की उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम होना है, ऐसे में धारवाड़ वासियों को भी उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री कब उनके बीच पहुंचेंगे। सरकार लोगों के बीच होगी, ऐसे में धारवाड़ की शहरी सरकार की ओर से भिवाड़ी की ओर से आने वाले दूषित पानी का स्थायी समाधान, अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने, धारवाड़ में बस स्टैंड निर्माण, PHC को 200 बेड का अस्पताल करने व धारवाड़ के आसपास 32 गांव को मिलाकर रेवाड़ी की बजाय धारवाड़ को सब डिवीजन बनाने की मांग रखी गई है। समाधान कितना हो पाएगा यह तो जनसंवाद कार्यक्रम के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन धारवाड़ के लोगों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर उम्मीद के साथ उत्सुकता जरूर है।